सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम एचटीटी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है ज्योतिबा फुले, एनी बेसेंट, तिलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, सत्यशोधक सभा जो थी इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। 24 सितंबर 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने भेजा था राजा जयसिंह को। राजा जयसिंह जो थे दोस्तों, ये मुगल सेना में एक वरिष्ठ सेनापति थे और इन्हीं को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए भेजा था। तो बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों सबसे पहले किया था 1868 में दादा भाई नरोजी ने। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने आधिकारिक राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था भारत में। तो दोस्तों दोनों ही पॉइंट्स को आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर सबसे पहले पूछा जाए तो सबसे पहले दादा भाई नरोजी ने किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो दोस्तों अगर बात करें किसी देश के आर्थिक विकास की, ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार के आकार पर, पूंजी निर्माण पर या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों अगर बात करें किसी देश का आर्थिक विकास इनमें से किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों इन सभी पर निर्भर करता है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, WTO का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों आपको बता दें, इसका मुख्यालय जो है ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बी आंसर राइट होगा। और इसकी स्थापना दोस्तों 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर बात करें भारत में मुद्रा आपूर्ति को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं, तो इसको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। डी आंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि दोस्तों RBI, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात है, जो कि आपका कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर केरल। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश यानी कि सबसे अग्रणी प्रदेश कौन सा है दोस्तों इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। बी आंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान एवं चीन, भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया या फिर ब्रिटेन एवं फ्रांस। पाक स्ट्रेट यानी कि दोस्तों पाक जलसंधि से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत एवं श्रीलंका। बी आंसर दोस्तों यहां पर राइट हो जाएगा। आपको बताते हैं दोस्तों, भारत और श्रीलंका जो है ये हिंद महासागर में पाक जल संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। चावल का कटोरा यानी कि राइस बॉल दोस्तों किसको कहते हैं? ये कहते हैं तमिलनाडु को। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सबसे पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो या फिर हिरोशिमा। तो दोस्तों आपको बता दें, अमेरिकी वायुसेना के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में फेंका गया था। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। आपसे ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जो परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था उसका क्या नाम था? तो दोस्तों इसका लिटिल बॉय नाम था, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल। ओजोन परत की बात करें तो दोस्तों ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो दोस्तों अगर बात करें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की, तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। डेसिबल शब्द की बात करें तो दोस्तों ध्वनि को मापने की एक इकाई होती है डेसिबल, तो सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या फिर चंपा? अंग महाजनपद की बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी चंपा में थी। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसको कि चंपापुरी भी कहते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी की बात करें तो दोस्तों ये आपका केरल में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण या फिर समुद्री सतह पर भूकंप? सुनामी की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्य कारण होता है समुद्री सतह पर भूकंप। डी आंसर आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, चेन्नई में या फिर बेंगलुरु में? तो दोस्तों अगर बात करें भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों ये 1951 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो दोस्तों इसको विकसित किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, पाकिस्तान के महबूब उल हक के द्वारा दोस्तों मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि की बात करें तो दोस्तों इसको निर्धारित किया जाता है एग मार्क के द्वारा। सी आंसर आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? दोस्तों अगर बात करें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये भारत में सबसे पहली बार कब स्वीकृत हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1948 ईस्वी में। बी आंसर आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ है, एडवर्ड जेनर, एफ बंटिंग, एस ए वैक्समैन या फिर रोनाल्ड रॉस। इंसुलिन की बात करें तो दोस्तों मधुमेह के रोग के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका आविष्कार दोस्तों कनाडा के एफ बंटिंग के द्वारा सन 1921 में किया गया था। बी आंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज की बात करें तो दोस्तों ये खोज की गई थी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। नासिक की बात करें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर ताप्ती, ये किस नदी के किनारे पर है? तो दोस्तों आपको बता दें ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद, जीवाणु, वायरस या फिर शैवाल? पेनिसिलिन की बात करें तो दोस्तों इसकी खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, और इसको प्राप्त किया जाता है दोस्तों फफूंद से। ए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत की बात करें तो दोस्तों इसका स्रोत यकृत होता है। पित्त रस जो होता है ये मानव के यकृत में बनता है। डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? प्रक्षेपास्त्र का मतलब दोस्तों यहाँ पर मिसाइल से है। इनमें से कौन सी मिसाइल भूमि से वायु में जाने वाली मिसाइल है? त्रिशूल, अग्नि, ब्रह्मोस या फिर सागरिका? तो दोस्तों आपको बता दें त्रिशूल जो है ये आपका भूमि से वायु में जाने वाली एक मिसाइल है। ए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया या फिर नेपाल? विक्रम संवत कहाँ का आधिकारिक कैलेंडर है दोस्तों? ये आपका पड़ोसी देश नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर है दोस्तों। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें भारत का आधिकारिक कैलेंडर कौन सा है, तो दोस्तों शक संवत ये भारत का आधिकारिक कैलेंडर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ऐसा इनमें से समाचार पत्र था जो गांधी जी के द्वारा 1933 तक संपादित किया गया था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर यंग इंडिया? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया दोस्तों एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि 1919 से 1900
1933 तक गांधी जी के द्वारा संपादित किया गया था। डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी? भारत सेवक संघ यानी कि दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसको अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास को, चंद्रशेखर आजाद को, कल्पना दत्त को या फिर राजगुरु को? आपको बता दें दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। तो डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजगुरु को अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। अगर बात करें जतिन दास की तो दोस्तों ये भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, जेल में भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद और कल्पना दत्त की तो दोस्तों अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों फांसी की सजा इनमें से राजगुरु को मिली थी। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या फिर लाहौर? मोती मस्जिद की बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण शाहजहां ने आगरा में करवाया था। तो दोस्तों ये आपका आगरा में स्थित है। ए आंसर आपका यहां पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? मांस, पीला योग, घी या फिर ताजी सब्जियां? विटामिन ई की बात करें तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा स्रोत जो है ये ताजी सब्जियां होती हैं। डी आंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इसके रासायनिक नाम की बात करें तो टोकोफेरॉल इसका दोस्तों रासायनिक नाम होता है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा विटामिन डी जो है ये किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, ये हमें सूर्य की जो सुबह की रोशनी होती है उससे प्राप्त होता है। अगर बात करें विटामिन डी के रासायनिक नाम की तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, निक्रोम, जस्ता या फिर टंगस्टन? तो दोस्तों अगर बात करें बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों निक्रोम का प्रयोग करते हैं। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, बुध, मंगल या फिर शुक्र? तो दोस्तों अगर बात करें सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है तो बुध ग्रह जो है दोस्तों, जो कि सबसे छोटा ग्रह भी है, ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, वल्कनीकरण या फिर यशदीकरण? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जंग से बचाने के लिए लोहे के बने पानी के जो पाइप होते हैं उनके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, और इसको कहा जाता है यशदीकरण, यशदीकरण या फिर गैल्वनीकरण इसको कहते हैं। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो दोस्तों आपको बता दें यूरेनियम विखंडन में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा। न्यूट्रॉन के प्रयोग से दोस्तों यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया होती है। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर वायु से वायु में पूछा गया है, इनमें से कौन सी मिसाइल वायु से वायु में जाने वाली मिसाइल है? त्रिशूल, K-15, सागरिका, ब्रह्मोस या फिर अस्त्र? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्त्र जो है ये आपका वायु से वायु में जाने वाली एक मिसाइल है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इनमें से दोस्तों टेट्रा एथिल सीसे का प्रयोग करते हैं, जिसको कि लेड टेट्रा एथाइल भी कहते हैं, TEL से इसको डिनोट किया जाता है दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या फिर टेबल टेनिस? नेहरू कप की बात करें तो दोस्तों ये आपका फुटबॉल के खेल से संबंधित है। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी
किस प्रदेश की उपज है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ओडिसी जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है दोस्तों, ये ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण या फिर निर्वात ट्यूब। तो दोस्तों आपको बता दें, पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इसमें निर्वात ट्यूब नहीं उपलब्ध है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निर्वात ट्यूब का उपयोग दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें, जो कंप्यूटर होता है उसमें गणितीय और तार्किक जो कार्य होते हैं ये सीपीयू चिप में होते हैं। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के ये सभी कार्य दोस्तों सीपीयू चिप में होते हैं किसी कंप्यूटर में। ए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोनालिसा जो कि बहुत ही फेमस पेंटिंग है, ये किसने बनाई थी दोस्तों? ये बनाई थी दोस्तों इटली के लियोनार्डो द विंची ने। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोची या फिर वास्को डी गामा। सात टापुओं का शहर कहा जाता है दोस्तों मुंबई शहर को। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? चंडीगढ़ में, पुडुचेरी में, लक्षद्वीप में या फिर नई दिल्ली में। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत का जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है ये स्थापित हुआ है पुडुचेरी में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1974 में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा दोस्तों कहाँ पर होती है? ब्राज़ील में, भारत में, नॉर्वे में या फिर पाकिस्तान में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया की बात करें तो दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है ये होता है कार्बामाइड। यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर झारखंड में। दोस्तों भीमा बेसिन की बात करें तो दोस्तों ये आपका यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान है, जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जवाई बांध की बात करें तो ये आपका लूनी नदी पर बनाया गया है, और ये किस राज्य में है अगर बात करें तो दोस्तों ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का या फिर आंध्र प्रदेश का। करगम की बात करें तो दोस्तों ये आपका तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? बेंगलुरु में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर शिमला में। तो दोस्तों बताइए, सबसे पहले विद्युतीकरण भारत में कहाँ पर हुआ था? जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। सबसे पहले विद्युतीकरण भारत में कोलकाता में हुआ था। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, दादाभाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राममोहन राय। तो दोस्तों अगर बात करें भारतीय जागृति के जनक की, तो राजा राममोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनमें से कौन सी चट्टान श्रृंखला है जिसको खनिजों का भंडार कहते हैं? ये कहा जाता है दोस्तों धारवाड़ श्रृंखला को। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों उरी बांध जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये किस नदी पर बनाया गया है आपसे पूछा जा रहा है? व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या फिर झेलम नदी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये बनाया गया है झेलम नदी पर। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक के पठार से, महाबलेश्वर से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से या फिर त्र्यंबक पहाड़ियों से। कावेरी नदी की बात करें तो दोस्तों इसका जो उद्गम हुआ है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हेली धूमकेतु की बात करें तो दोस्तों ये प्रत्येक 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, नेत्रावती नदी ये किस शहर से होकर बहती है? इनमें से शिवामोगा से, मंगलुरु से,
कारवाल से या फिर बेंगलुरु से। ये नदी जो है दोस्तों ये बहती है मंगलुरु से होकर, बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से बात की जाए तो दोस्तों इनमें से जो रत्नागिरी है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। वृहद हिमालय से, कुमाऊं हिमालय से, सह्याद्री पहाड़ियों से या फिर छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी की बात करें तो दोस्तों इसका उदय जो है ये झारखंड में स्थित छोटा नागपुर के पठार से होता है, डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है। कावेरी नदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी या फिर नर्मदा नदी। महाबलेश्वर से दोस्तों किस नदी का उद्गम हुआ है आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है, बी आंसर आपका यहां पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों कावेरी नदी को, ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर प्रश्न में दोस्तों आपसे दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाता है तो कावेरी नदी पर आप टिक करेंगे, और अगर प्रश्न में आपसे दक्षिणी गंगा या फिर दक्षिण गंगा पूछा जाता है तो आप गोदावरी नदी को टिक करेंगे। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो दो अलग तरह के प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है। पहले राष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर या फिर डेकामीटर। वायुमंडलीय दाब जो होता है ये दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज की बात करें तो दोस्तों इसकी खोज की गई थी न्यूटन के द्वारा, ए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल राज्य को, बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था, 1910, 1912, 1915 या फिर 1918 में। तो दोस्तों आपको बता दें बिहार जो था ये बंगाल से अलग हुआ था सन 1912 ईस्वी में, बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। तो दोस्तों चंद्रमा जो है उस पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के कितने बराबर है, छठे भाग के बराबर है, बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना की बात करें तो दोस्तों इसको बनाया गया है महानदी पर, जी आंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों आपको बता दें गुजरात राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म जो कि जैन धर्म है इसके 838 मंदिर स्थित हैं, बी आंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। जवाहर सुरंग की बात करें तो दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी सुरंग है और ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अमीबा में कुल कितने शैल या फिर कोशिका होते हैं। अमीबा जो होता है दोस्तों इसमें कुल एक शैल होता है, तो ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई। तो दोस्तों अगर बात करें फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम की तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक में स्थित ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह या फिर अरुण ग्रह जिसको कि यूरेनस कहा जाता है। बुध और पृथ्वी के बीच दोस्तों अगर कौन सा ग्रह आता है आपसे पूछा जाए तो शुक्र ग्रह जो है ये आपका बुध और पृथ्वी के बीच आता है, बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है, मुख्य भाषा या फिर आधिकारिक भाषा कौन सी है नागालैंड की, नागा, खासी, अंग्रेजी या फिर मिजो। आपको बता दें दोस्तों नागालैंड की आधिकारिक भाषा जो है ये अंग्रेजी भाषा है, सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सतलुज नदी की बात करें तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है, केरल में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर उड़ीसा में। इन मंदिरों की बात करें तो दोस्तों ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है जो कि आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन दिया हुआ है ज्वार, मक्का, चावल या फिर गेहूँ। तो दोस्तों अगर बात करें भारत में सबसे अधिक कौन सी खाद्य फसल उगाई जाती है, तो दोस्तों ये आपका चावल है, पहले नंबर पर चावल है और दूसरे नंबर पर दोस्तों गेहूँ है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, फ्रियॉन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। दोस्तों हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर यूज होते हैं उसमें आपको फ्रियॉन गैस का यूज़ होता है, ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। सबसे पूर्व में दोस्तों अगर बात करें कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है ये भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, ए आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो दोस्तों 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था, डी आंसर आपका यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था, स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या फिर चंद्रगुप्त ने। पुनरुद्धार यानी कि दोस्तों पुनर्निर्माण किसने किया था इसका, तो दोस्तों ये किया था स्कंदगुप्त ने, ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में को हुआ था, कब हुआ था दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में, ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को दोस्तों अंधांत्र या फिर कैकुम कहा जाता है, सी आंसर आपका यहां पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है खड़क वासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर बात करें खड़क वासला बांध की तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, बी आंसर राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में मूथा नदी पर दोस्तों ये बनाया गया है, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं किस नदी पर बनाया गया है, तो मूथा नदी पर दोस्तों ये बनाया गया है, बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मृदा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है, बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में ये दिया जाता है पुरस्कार, और इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में, सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने की थी इनमें से, इसकी खोज की थी दोस्तों जे थॉम्सन ने, जे थॉम्सन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, दोस्तों प्रारूप समिति के चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये इसके चेयरमैन थे, ए आंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, लक्षद्वीप को, बेसिन को, कोचीन को या फिर सूरत को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को, सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोचीन जिसको कोच्ची भी कहा जाता है ये आपका केरल के दक्षिणी तट पर स्थित है, सी आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाओं की बात करें तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के बाघ यानी कि धार में स्थित है, ए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है, वाल्मीकि को, नागभट्ट को, कालिदास को या फिर केशव दास को।
सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों हिंदी कविता के रीति काल का प्रथम कवि माना जाता है केशव दास को। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने, यकृत, वृक्क, प्लीहा या फिर मूत्राशय। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो मानव शरीर के दोनों ओर स्थित अंग इनमें से वृक्क है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। वृक्क यानी कि दोस्तों किडनी कहते हैं इसको। ये मानव शरीर के दोनों ओर स्थित होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो दोस्तों अगर बात करें पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में इनमें से कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो दोस्तों ये पाई जाती है लाल मृदा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है। दोस्तों राजपिथौरा जो था ये किला तोमर राजपूतों के द्वारा बनवाया गया था। ये कहाँ पर है, ग्वालियर में, आगरा में, नई दिल्ली में या फिर अगरतला में। तो दोस्तों ये स्थित है नई दिल्ली में। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्वेद या फिर यजुर्वेद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आधा गद्य और आधा काव्य में जो वेद है दोस्तों वो आपका यजुर्वेद है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था जो कि जनगण मन है, और इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था। तो ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला दोस्तों इन्होंने ही लिखा था। अगला प्रश्न दोस्तों, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन ए। नींबू और संतरे में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।